गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर से एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, और हेलो एल्केम की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले पढ़ा SN1 और SN2 में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है एक्चुअल में? एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है, देखो, एलिमिनेशन एलिमिनेट होना, और एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, बाहर निकलना ना, एलिमिनेट होना। तो यहां से आप ये बोला जाएगा कि अल्फा हाइड्रोजन, से हम ये बोलेंगे कि बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम आर एलिमिनेट इन दिस रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम बोलेंगे कि सबसे पहले ये जो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक मतलब कि रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी बच्चों, नेगेटिव में होगी। अब एलिमिनेट जो रिएक्शन होती है, मतलब कि यहां पर आपके पास में एक क्वेश्चन दिया गया है CH3CH, ये H, और यहां पर बोल रहा है CHCl और बोल देगा CH3, ठीक है। और आपसे बोला जाएगा यहां पर है, ये KOH दिया हुआ है, क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा है, एक्वस दिया हुआ आपके पास, ठीक है। और बोलेगा बताओ क्या करना है। तो बच्चों, जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच होता है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और जिसका इसके जस्ट बगल वाले कार्बन, ये वाला या फिर ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। हम क्या बोलेंगे बच्चों इसको? बीटा कार्बन। इसको बोल देंगे बीटा वन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? बीटा टू कार्बन। वापिस से देखते हैं बच्चों कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा। और उसके आसपास के जो कार्बन होते हैं, उन कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन, और इन बीटा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन होगा, उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो इन दिस रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा हैलोजन एटम आर एलिमिनेट। इस रिएक्शन के दौरान बीटा हाइड्रोजन या तो ये या फिर ये, और साथ में हैलोजन एटम कहाँ होते हैं? एलिमिनेट होते हैं, और एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं? एल्कीन का। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, अगर यहाँ से एक एच जाएगा, एक सी एल जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। तो बच्चों, यहाँ पर एल्कीन बनेगी CH3CH डबल बॉन्ड CHCH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों आपके पास में? एल्कीन बनेगा। अब यहाँ पर जो एल्कीन जो होगी बच्चों, दो टाइप से बनेगी, एक तो होगी मोर स्टेबल और एक कैसे होगी? लेस स्टेबल। तो यहाँ पर बात करते हैं इसी रिएक्शन की, ये जो एल्कीन जो होगी बच्चों आपके पास में, दो टाइप से बनेगी, एक तो होगी मोर स्टेबल, एक होगी लेस स्टेबल। तो यहाँ पर एक रूल आएगा, एक तो आएगा सतजैव का रूल और एक आएगा होपमान। तो क्या बोलेंगे? सतजैव, और एक हमारे पास में आ जाएगा होपमान। ठीक है, सतजैव रूल के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी बच्चों, मोर स्टेबल एल्कीन, और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी? लेस स्टेबल। क्या बनेगी? लेस स्टेबल। इट मीन्स आपके पास में इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो होगा मेजर, मेजर एल्कीन, मेजर एल्कीन प्रोडक्ट, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? माइनर। अब बच्चों, मेजर और माइनर आप लोग कैसे यहां से फाउंड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सर मेजर कौन सी है और माइनर कौन सी है? तो बच्चों, सीधा सा सिंपल सा है, डबल बॉन्ड के जो कार्बन आइटम है उसके दोनों तरफ देख लो, जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे वो तो होगी मेजर, और जहां पर एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? कम अटैच होंगे, कैसे होगी? माइनर। तो आपको बोलना है कि एल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन आइटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटम, और ये जो कार्बन एटम आपके पास में दिए हैं एल्कीन के, इसके दोनों तरफ देख लो, इस कार्बन से कितना जुड़ रहा है? CH3 1, इससे कितना जुड़ रहा है? तो दो जुड़ गए आपके पास में, एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा।
इसी का दूसरा प्रोडक्ट देखो ये एल्कीन बनेगा आपके पास में, या फिर इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट देखो, या इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देंगे, ये दिया हुआ है यहां पर आपके पास में, इस हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे एलिमिनेट, और ये क्लोरीन तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH2, एक एल्कीन आपके पास में ये बनेगा। वापस से देखते हैं, अब डबल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है ये कार्बन है कार्बन। अब ये देख लो डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उनके दोनों तरफ सी एच थ्री ग्रुप कितने हैं या सी एच टू ग्रुप कितने हैं, तो देख भाई इधर कितना सी एच थ्री है एक, और कितना दिया हुआ है दो, इस कार्बन से अटैच है, और यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, देखो इस डबल बॉन्ड से इधर तो कोई है नहीं, कितना अटैच है एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो जहां पर मोर स्टेबल मतलब आपके पास में मोर एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे डबल बॉन्ड से, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं मोर एल्काइल ग्रुप, क्या लिखेंगे मोर एल्काइल एल्काइल ग्रुप अटैच, या फिर बॉन्डेड इन कार्बन अटैच ग्रुप बॉन्डेड इन डबल बॉन्ड कार्बन एटम, और यहां पर क्या होंगे लेस, यहां पर क्या होंगे बच्चों हम यहां पर बोलेंगे कि लेस लेस एल्काइल ग्रुप, लेस एल्काइल ग्रुप आपके पास में होंगे बच्चों, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड से बाहर गए, इसमें तो आपके पास में होगा यहां पर तो होंगे लेस एल्काइल ग्रुप, लेस एल्काइल ग्रुप। एक एग्जांपल करते हैं उससे आपको समझ में आएगा कौन सा प्रोडक्ट जो होगा मेजर होगा कौन सा माइनर। वापस से सुनते हैं एलिमिनेट जो एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अल्फा हैलोजन व बीटा हाइड्रोजन आर एलिमिनेट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन दो टाइप की बनेगी, एक तो बनेगी मेजर एक बनेगी माइनर, मेजर जो बनती है वो बनती है सब्जैब रूल के अकॉर्डिंग, माइनर जो बनती है वो बनती है होफमान रूल के अकॉर्डिंग। सब्जैब रूल क्या कहता है बच्चों, ये बोल रहे हैं मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये लेस स्टेबल माइनर प्रोडक्ट होगा, इसने बोला कि मोर एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम, या फिर बोले मोर एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, लेस एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड कार्बन एटम। ठीक है, अब इधर देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं दोबारा एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा बच्चों क्लियर हो जाएगा आपको, तो कुछ भी नहीं करना यहां से, जो एलिमिनेट करना है वो एच एक्स एलिमिनेट करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच थ्री यहाँ पर दिया हुआ है एच, बोल रहा है सी एच, और यहाँ पर दिया हुआ है सी एल, और बोल रहा है सी एच सी एच थ्री, ये दिया है बच्चों आपके पास में। ठीक है, और ये बोल रहा है आपके पास में ये जो आपके पास में एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले लिख लो, ये जो कार्बन होगा इसको तो बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा वन, और इसको बोल देंगे बीटा टू कार्बन, तो जो हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलेंगे बीटा वन हाइड्रोजन बीटा टू हाइड्रोजन। तो यहां से देखो बीटा तो हाइड्रोजन और अल्फा हैलोजन, इन दोनों को बाहर निकाल दो एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां कहां बन जाएगा डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। अब देखते हैं मोर स्टेबल जो एल्कीन होगी कौन सी होगी, आते हैं बच्चों इधर देखते हैं, यहां पर आपके पास में जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा दो टाइप की एल्कीन बनेगी, देखो इससे करते हैं ये हाइड्रोजन जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को बाहर निकाल दो तो यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री। बच्चों एक एल्कीन तो ये बनेगी, एक एल्कीन तो ये बनेगी, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ए। अब एक एल्कीन और बनेगी कौन सी, अभी तो आपने ये एलिमिनेट किया था, अब कौन सा एलिमिनेट करोगे ये हाइड्रोजन, देखो ये तो हाइड्रोजन है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं सी एच थ्री, तो यहां पर ये एच, अब की बार ये एलिमिनेट हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड CH CH3।
एक एल्किन ये बनेगी जिसको हम बोलेंगे बी। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो बच्चों देखो, डबल बॉन्ड देखो, ये डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड से ये तो ये कार्बन अटैच है, इन दोनों कार्बन से कितने सी एस थ्री ग्रुप जुड़ रहे हैं या सी एस टू? तो देखो इससे एक और दो, और इससे कितना जुड़ गया आपके पास में, एक तीन, इससे तो जुड़ रहे हैं आपके पास में तीन, तीन एल्काइल ग्रुप है। यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, एल्काइल ग्रुप कितने आपके पास में, यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है वो कितने हैं, तीन है। और यहां पर एल्काइल ग्रुप कितने, देखो इससे इससे कौन सा अटैच हो रहा है, ये कार्बन एटम अटैच हो रहा है, एक तो ये हो गया। क्या ये कार्बन लोगे कि नहीं, इस कार्बन से ये एटम अटैच है, तो एक और एक ये हो गया दो। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप कितना आएगा, एल्काइल ग्रुप कितना आएगा बच्चों, दो। बताओ एल्काइल ग्रुप कहां पर ज्यादा है, इस वाले में। तो ये प्रोडक्ट को ऐसा हो जाएगा आपके पास में मेजर, ये तो कैसा हो गया मेजर एल्किन, और ये कैसा हो गया माइनर। बोलेंगे ये तो होगा मोर स्टेबल, ये होगा लेस स्टेबल, इसको बोलेंगे सत्जैव के अकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे हुकमान के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, हाँ अब आगे चलते हैं। लास्ट जो हमारे पास में दिया है बच्चों, वो दी हुई है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ये केमिकल रिएक्शन से पढ़ रहे हैं बच्चों थर्ड। सबसे पहले आर एक्स की रिएक्शन, ए आर एक्स की रिएक्शन विद एम जी, हम बोलेंगे रिएक्शन विद एम जी, फर्स्ट जो दिया बोलेंगे रिएक्शन विद एम जी। अब मैग्नीशियम जो होता है मेटल होता है, तो आर एक्स की रिएक्शन ये प्लस ये माइनस, इसकी रिएक्शन आप एम जी के साथ में करा दो बच्चों, तो एम जी के साथ में जैसे कराओगे तो आपके पास में क्या बनेगा, आर एम जी एक्स, आर माइनस का हो जाए आर प्लस का, ये हुई आपके पास में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर जी एक्स बनेगा, आर एम जी एक्स को हम बोलते हैं ग्रिगनार अभिकर्मक, जी आर ग्रिगनार रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रिगनार रिएजेंट बोलते हैं। अब मान लो आर एम जी एक्स की रिएक्शन आप H2O के साथ में करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो R पर चार्ज होगा माइनस और MgX पर होगा प्लस, तो यहां पर क्या बनेगा, देखो ये तो R माइनस का और MgX ये किसका होगा प्लस का, H प्लस का होगा OH माइनस का, तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास, तो क्या बनेगा RH प्लस में MgXOH एल्केन बनेगी, क्या बनेगी एल्केन। फर्स्ट रिएक्शन यही है। सेकंड रिएक्शन जो होगी रिएक्शन विद एनए, रिएक्शन विद एनए, एनए मतलब हो जाएगा सोडियम कि एल्किल हैलाइड की, देखो आर एक्स फिर कौन आएगा सोडियम, तो यहां पर एल्किल हैलाइड के दो मोल लेना है आपको, आर एक्स और दो ही सोडियम लेने हैं, और क्या लोगे एक्स आर, कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम के साथ में करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है ये हो जाएगा आपके पास में ड्राई ईथर यहां पर, तो यहां पर देखो ये बाहर निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि ये होता है माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, ये क्या होंगे आपके पास में ये वाले, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये एन एक्स बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगी आर आर और प्लस में टू एन ए एक्स, इसको बोलेंगे एल्केन। और बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, नेम रिएक्शन है बच्चों वुड्स, वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसको याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक जो है याद करने की वो है व्हाट्सअप, क्या है व्हाट्सअप, याद है व्हाट्सअप बच्चों, ट्रिक क्या हो जाएगी याद करने की, व्हाट्सअप, तो W का मतलब हो जाएगा वुड्स रिएक्शन और A का मतलब क्या हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, क्या हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, तो मतलब कि व्हाट्सअप हम ऐसे याद करेंगे इसको, व्हाट्सअप दोना, क्या बोलेंगे व्हाट्सअप दोना, तो व्हाट्सअप दो और दो का मतलब क्या हो जाएगा टू और ना का मतलब एन, व्हाट्सअप दोना एल्किल हैलाइड के साथ, तो सीधे सीधे व्हाट्सअप के साथ में याद कर लो, वुड्स रिएक्शन जो होगी एल्किल हैलाइड के साथ में, एक का मतलब हो जाएगा एल्किल हैलाइड और यहां पर कितने आएंगे टू एन, ठीक है आगे चलते हैं। ये तो होगी वुड्स रिएक्शन। एक आपके पास में होती है बच्चों फिटिंग रिएक्शन,
फिटिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि ये बेंजीन और ये हैलाइड, एराइल हैलाइड जिसको हम बोला था, एराइल हैलाइड जिसको हम बोल रहे थे, और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस कुछ भी नहीं करना, इसके दो मोल लेने आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइबेंजीन। बस यहाँ से कौन बाहर निकल गया, प्लस में 2NaX, इसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। कैसे याद करोगे, फेसबुक दोना, फेसबुक। इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों, फेसबुक, फेसबुक दोना। तो देखो एफ का मतलब हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन, क्या हो जाएगा फिटिंग, और बी बेंजिल हैलाइड, क्या हो जाएगा बेंजिल हैलाइड आपके पास, ठीक है। अब एक रिएक्शन और आती है बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखो एक तो आ गई वुड्स रिएक्शन, एक कौन से आ गई फिटिंग रिएक्शन, एक रिएक्शन और आती है थर्ड, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अरे सवाल हो गया सोल्व, वुड्स रिएक्शन में कौन आता है, एल्किल हैलाइड, और फिटिंग रिएक्शन में कौन आता है आपके पास में, बेंजाइल हैलाइड आता है। बस हो गया सवाल, सो यहां से इसको बाहर निकाल दो, क्या बनेगा, ये वाला भाग बन जाएगा। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों। तो बच्चों व्हाट्सएप मतलब वुड्स रिएक्शन, ए का मतलब एल्किल हैलाइड, एफ का मतलब फिटिंग रिएक्शन, और बी का मतलब बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमारे पास में ये कुछ रिएक्शन थी, एक